पटनायक जी की पुस्तक भारत शूद्रों का होगा कि पिछले एपिसोड में हम इसके 6th टॉपिक की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि सरकारें आम बजट पेश करने के दौरान किस तरह का रवैया रखती हैं। लगभग सभी सरकारें जो हैं आंकड़ों में फेरबदल करती हैं बजट पेश करने के दौरान, और इस मौके पर विपक्ष की चुप्पी ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि ये बजट जो है वो आम सहमति से प्रस्तुत किया जा रहा है। जनता के लिए इस बजट में कुछ नहीं होता, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले सरकार जो आम बजट प्रस्तुत करती है उसमें जनता के लिए बहुत सारा लालच होता है, जिसे किशन पटनायक जी भोंडी प्रलोभनकारी कार्यक्रम कहते हैं। उसके बाद वे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से गरीबी हटाने का सारा जिम्मा जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऊपर लाद दिया गया है और निजी क्षेत्रों को यूं ही जाने दिया गया है, जबकि सबसे ज्यादा रियायतें और करों में छूट जो है ये निजी क्षेत्र ही उठाते हैं सरकार के जरिए, लेकिन देश को बनाने में इनका कोई सहयोग नहीं लिया जाता है। और इसके बाद वे करीब करीब सरकारों पर इल्जाम लगाते हैं कि कहीं जानबूझकर तो इस तरीके से नहीं किया जाता कि राष्ट्रीयकृत बैंक जो है इस बोझ को उठा ना सके और वो धराशायी हो जाएं, जिसके चलते जो इंटरनेशनल बैंक यहां पर आते हैं उन्हें फायदा पहुंचे। तो यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था, अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ, जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। अब लेख में जो कि 1990 के दशक के बजट का जिक्र है, उस समय जो भी सरकार रही थी किशन पटनायक जी ने उसी के बिहाफ पर इस लेख को लिखा है। इसे मौजूदा सरकार के बजट सेशन से हम कंपेयर करते हुए चलेंगे कि आखिर मौजूदा सरकार कितनी डिफरेंट है पहले की सरकारों से। चलिए, विचार शून्य इसलिए कि बजट के दो हिस्से अलग अलग खड़े हैं, उनको आपस में जोड़ा नहीं जा सकता है। पहला हिस्सा ज्यादा भड़कीला हिस्सा है, आम जनता की आर्थिक हालत को सुधारने के कार्यक्रम को लेकर। दूसरे हिस्से में विकास की रणनीति, कर प्रणाली, उद्योग, कृषि, बीमा, व्यापार आदि आते हैं। पहले हिस्से की बातें विकास की केंद्रीय नीति या रणनीति से जुड़ती नहीं है, विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का कोई महत्व नहीं है। दूसरी ओर गरीबी मिटाना राष्ट्रीयकृत बैंकों का काम होगा, इन दोनों बातों में तार्किक संबंध कुछ भी नहीं है। विचार शून्य इसलिए भी है कि मुख्य समस्याओं के बारे में जैसे मूल्य वृद्धि रोकने, काले धन को समाप्त करने, कर्ज की बढ़ोतरी रोकने तथा बढ़ती आबादी को भोजन मुहैया कराने के लिए किसी भी तरह की नीति या रणनीति नहीं बताई गई है। तो यहाँ पर काले धन का जिक्र किया गया है, और हर सरकार जो है वो अपने बजट में इस बात को रखती है कि हम यदि जीत कर आए तो हम काला धन जो है वो वापिस ले आएंगे। मौजूदा सरकार भी इसी वादे के साथ जो है सक्सेसफुल रही 2014 में, लेकिन क्या काला धन वापिस आया? क्या आम जनता के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाले? उल्टा बेशर्मी से, ढिटाई से गृह मंत्री जी कहते हैं कि ये सब तो एक जुमला था, इस पर ध्यान न दिया जाए। शुरू से यानी 1991 से आयात शुल्क, उत्पादन शुल्क, प्रत्यक्ष कर आदि में जो कटौती की प्रक्रिया चलाई गई थी उसके तहत क्या क्या नई कटौतियां की जा रही हैं, इसकी लंबी फेहरिस्त बजट के दूसरे भाग में दी गई है। एक तरफ गरीबों को दी जाने वाली राहतों की सूची, दूसरी तरफ पूंजीपतियों, व्यापारियों तथा उच्च आय वालों को दी जाने वाली रियायतों की सूची। इस बार के बजट में आरंभ से अंत तक सिर्फ राहतों और रियायतों की गिनती के अलावा और कुछ नहीं है। निर्माण हम किस चीज का कर रहे हैं उसकी कोई छवि उभरती नहीं है। तो बजट जो है वो दो तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है, दो लोगों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। एक आम इंसान के लिए राहतें, और जो धनी व्यापारी वर्ग है उसके लिए जो है वो रियायतें। राहतों और रियायतों की सूची खड़ी है मनमोहन सिंह के इस दावे पर कि 4 साल के सुधारों की हमें सफलता मिल रही है। सफलता के आंकड़े बजट के आरंभ में ही दे दिए गए हैं। सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, कृषि में अब तक का सबसे अधिक उत्पादन, कर वसूली में वृद्धि इत्यादि। निजीकरण के द्वारा और धनी वर्ग को तथा विदेशी कंपनियों को रियायत देकर हमने ये उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। अतः धनी वर्ग को और विदेशी कंपनियों को रियायतों की मात्रा को और अधिक बढ़ाया जाए, बजट का केंद्रीय तर्क यह है। मतलब जो रईस हैं उनको रियायत देकर और ज्यादा रईस बना दिया जाए, और आम जनता के हिस्से में कुछ थोड़ी बहुत राहतें पहुंचाई जाए। और मौजूदा सरकार का यदि आप
काम करने का तरीका देखें, आम जनता के लिए ये कुछ मुहैया नहीं करवाती, ना तो एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पूरी एजुकेशन में काट छांट हो गई है, शिक्षा का बजट लगातार घटता जा रहा है, सैनिकों का बजट घट गया है, 4 साल के रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अब सेना में भी चल पड़ा है। उसके अलावा आप देखिए कोरोना काल में अस्पतालों की क्या हालत थी, और ऑक्सीजन सिलेंडर तक वहां प्रोवाइड नहीं किए गए थे, लेकिन बजट में दावे कितने बड़े बड़े आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, कोरा झूठ बोला जाता है, ये जानते हुए भी कि संसद की कार्य प्रणाली जो है वो मिनट्स के तौर पर रिकॉर्ड में रखी जाती है, फिर भी वहां खड़े होकर झूठ बोला जाता है। कृषि के आंकड़ों में हमेशा कुछ पेच रहता है, सफलता की बहुत सारी कसौटियां होती हैं, उनमें से 2-4 चीजों में अगर प्रगति हुई है तो उसको बार बार दिखाकर वृद्धि का एक भ्रम पैदा किया जा सकता है। मौजूदा सरकार यही कर रही है, इनके बनाए हुए पुल जो 5 दिन भी नहीं टिक पाते हैं, जगह जगह से खबरें आती हैं इस तरह की, विकास के नाम पर 500 करोड़ की सड़क बन रही है लेकिन वो गड्ढों से भरी हुई, शायद जगह जगह ताल तलैया होना ही जो है अब विकास हो गया है सड़कों पर। जिन बिंदुओं पर प्रगति नकारात्मक है उन पर बार बार चर्चा करके एक विपरीत वातावरण भी पैदा किया जा सकता है। जब सार्वजनिक क्षेत्र का बोलबाला था और सामाजिक ढांचे का फैशन था, तब भी कई बार भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन आदि में इसी तरह की वृद्धि बीच बीच में होती थी। अब तक का सबसे अधिक कृषि उत्पादन भी कई बार हो चुका है। अगर अतीत में इस तरह की उपलब्धियों में विकास का कोई टिकाऊ ढांचा नहीं बन पाया है तो अभी के इन आंकड़ों से हम क्या निष्कर्ष निकालें? जब हमने न्योता देकर, रियायतों का प्रलोभन देकर विदेशी पूंजी को बुलाया है तो विदेशी मुद्रा का आगमन स्वाभाविक है, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ रहा है, मोटर गाड़ियां बनाने में, होटल खोलने में, बिजली उत्पादन में, हमारे पेट्रोलियम का दोहन करने में, मछलियों को ले जाने इत्यादि क्षेत्रों में विदेशी कंपनियां बढ़ रही हैं, और औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा ही, मतलब ये एक पैकेज डील होती है। धनी वर्ग की आय में जो वृद्धि की जा रही है उससे खरीदारी बढ़ेगी और फलस्वरूप उपभोक्ता सामानों का उत्पादन भी बढ़ेगा ही। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि एक मिथक है, भ्रम पैदा करने वाला मिथक। तीसरी दुनिया के बहुत से देशों में ये वृद्धि कभी न कभी उल्लेखनीय ढंग से हो चुकी है, मगर इसके बाद भी वे दिवालियेपन का शिकार हुए हैं। मैक्सिको इसका सबसे ताजा उदाहरण है। सवाल उत्पादन वृद्धि का नहीं है, सवाल यह है कि उत्पादन वृद्धि में आम जनता की क्या हिस्सेदारी रही है, किस प्रकार से हो रही है। एक गरीब किसान जब अपनी जमीन को किसी धनी साहूकार के पास गिरवी रखता है, तब धनी साहूकार के ट्रैक्टर और लागत पूंजी से खेत में नकदी फसलें लहलहाने लगती हैं, वृद्धि होती है, लेकिन उस किसान की हिस्सेदारी इसमें क्या रहती है। अब तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को कृष्ण पटनायक जी यहाँ उठा रहे हैं कि हम बातें तो सरकारें करती हैं कि हमने बहुत सारा उत्पादन किया, प्रोडक्शन में हमने ना जाने कहां कहां क्या क्या सीमाएं तोड़कर प्रोडक्शन किया है, लेकिन उस प्रोडक्शन में आम जनता की कितनी भागीदारी होती है, उस प्रोडक्शन का कितना हिस्सा जो है वो आम जनता के हिस्से में आता है, इस बात के ऊपर कभी चर्चा नहीं की जाती है। और एक बहुत साधारण से उदाहरण के साथ किशन पटनायक जी ने एक बार फिर समझाया है कि साहूकार जब किसान के खेत को गिरवी रख लेता है और उसके ऊपर अपने आधुनिक उपकरणों से खेती करवाता है, तब फसलें जो है वो लहलहा उठती हैं, लेकिन किसान बेचारा अपने बैलों से जब परंपरागत ढंग से खेती करता है तो शायद अनाज इतना नहीं उगा पाता होगा, और फिर साहूकार के द्वारा उगाए गए अनाज में उसकी कोई हिस्सेदारी भी नहीं होती है। तो एक बेहद मामूली से उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है। कृषि में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन का कोई अर्थ नहीं होता, अच्छे मौसम का वरदान था, पिछले साल में इतनी अधिक वृद्धि हुई है, क्या आबादी बढ़ने के अनुपात में कृषि उत्पादन बढ़ा है, क्या प्रति व्यक्ति अनाज और वस्त्र की खपत देश में बढ़ी है, इन प्रश्नों का उत्तर बजट में नहीं मिलता है, तो कृषि में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन का दावा निरर्थक है। कुछ बातें बजट से स्पष्ट है। पहला, विकास दर में वृद्धि की कोई प्रासंगिक जनसाधारण के लिए नहीं है, इसीलिए उसके लिए राहत की योजनाएं घोषित की जा रही हैं। मतलब आम बजट से आम इंसान को कोई फायदा नहीं होता है।
इसलिए उसको राहतें दी जाती हैं। जैसे कि मौजूदा सरकार ने तो हद कर दी, राहत देने के नाम पे 5-5 किलो राशन की भीख देने लगी है। तो घोषित योजनाओं से आम जनता की हालत सुधरेगी नहीं। 3, घाटा मुद्रास्फीति, विदेशी कर्ज बढ़ता जाएगा। संसदीय चुनाव (1996) के 1-2 साल के बाद पुनः रुपए के अवमूल्यन के लिए विदेशी दबाव बढ़ेगा। मतलब थोड़े समय के लिए हो सकता है इलेक्शन के बाद रुपए में तेजी आ जाए, उछाल आ जाए, लेकिन जो विकसित देश हैं वो लगातार रुपए की को गिराने में दबाव बढ़ाते रहेंगे। 4, बीमा कंपनियों के बारे में जो इशारा बजट में किया गया है उसकी परिणति विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में बीमा व्यापार पर कब्जे के रूप में होगी। इस बीच बैंकों की हालत और खराब होगी। गरीबी हटाओ वाले विसंगतिपूर्ण कार्यक्रमों से कुछ जुड़ी धांधलियां होंगी और राष्ट्रीयकृत बैंक इतने कमजोर हो जाएंगे कि विदेशी बैंकों की प्रमुखता बढ़ जाएगी। तो 1990 के दशक में किशन पटनायक जी ये सारी बातें लिख रहे थे। और आज की मौजूदा सरकार ने क्या किया है? आज की मौजूदा सरकार ने तो हद कर रखी है। LIC का पैसा और SBI का पैसा क्या सोचकर और किससे पूछकर सरकार ने अडानी के व्यापार में लगाने की इजाजत दी बतौर लोन, जो कि कभी चुकाया नहीं जाएगा एज यूजुअल। तो यहां पर रतन जी एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि अडानी जो दुनिया में 4 रईस लोगों में काउंट होते हैं, वो इस देश के सबसे बड़े कर्जदार हैं और ये कर्जा आपका और मेरा पैसा है। हमसे पूछे बगैर सरकार ने इसे अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने बेहद खास दोस्तों को दे दिया है। हम नहीं जानते कि यदि वे भी विजय माल्या की तरह अगर देश छोड़कर भागते हैं, या बाकी बहुत सारे ललित मोदी है, नीरव मोदी है, इन लोगों की तरह देश छोड़कर भागते हैं, तो हमारे पैसे का क्या होगा? कहां जाएंगे हम आम इंसान जो हैं? इन सब चीजों के ऊपर आप जरूर सोचिएगा। इन सारे दुष्परिणामों का आभास साल पूरा होने से पहले ही मिलने लगेगा। इस जनप्रिय बजट के बावजूद आगामी चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलेगा। फिर भी हो सकता है कि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने रहें, क्योंकि वे तो कांग्रेस की देन नहीं है। उनको बनाए रखने में दूसरे राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल सकता है, जिससे मनमोहन सिंह व्यापक आम सहमति ले चुके हैं इसी बजट में। तो यहाँ पर किशन पटनायक जी जो हैं वो एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं फ्यूचर में। सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हैं और मौजूदा सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस से पलायन करके भाजपा के खेमे में वे नहीं आए हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो एज्यूम करके लिखी गई हैं किशन पटनायक जी द्वारा। उन सभी चीजों को हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। तो इन्हीं सब चीजों की रोशनी में आप लगातार मंथन करते रहिएगा, सरकारों के बीच के फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझती हूँ मौजूदा सरकार अब तक की सबसे खराब सरकार है, जिसने पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। बिना एक भी सरकारी संस्थान बनाए सारे सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर दिया, उन्हें अपने खास मित्रों के हाथों में सौंप दिया है दोहन करने के लिए। तो इसी के साथ ये एपिसोड में समाप्त करती हूँ। अगले एपिसोड में हम इसके 7th टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही हैं और समझ भी आ रही हैं। इसलिए यदि जरूरी समझें तो इन्हें दूसरे मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना मत भूलिएगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।